बालको लोक कला महोत्सव 2006 में राज्य के प्रसिद्ध कला समूहों ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का मनोरंजन किया। छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक पुरवाई नामक आयोजन में लोकगीत संगीत गम्मत और पंथी नृत्य देखने के लिए बालको नगरवासी हर वर्ष की तरह उमड़ पड़े। बालको लोक कला महोत्सव के पहले दिन अंचल के प्रसिद्ध बाल तबला वादकों मास्टर विवेक चंदेल, मास्टर अग्निवेश बघेल और मास्टर गौरव तिवारी ने अपने गुरु तालमणि मोरध्वज वैष्णव की संगत में उत्कृष्ट प्रस्तुति दी। इन तबला वादकों ने अपनी थापों से लोगों को रेलगाड़ी की गति और गरज के साथ बारिश होने की ध्वनियों का एहसास कराया। श्रोताओं ने तालियों की गड़गड़ाहट से कलाकारों का उत्साह वर्धन किया। पानी गिरने का साउंड अचानक बिजली कैसे चमकती है। छेरछेरा के कलाकारों ने छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को गीत नृत्य और संगीत के माध्यम से उत्कृष्ट शैली में प्रस्तुत किया, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया। आकर्षक वेशभूषा में सज्जित कलाकारों ने पंथी नृत्य गम्मत आदि विधाओं में कला का प्रदर्शन कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में बालकों के राजभाषा सहायक श्री लोकनाथ साहू को भी गीत पेश करने का अवसर मिला। उन्होंने अपनी लयबद्ध प्रस्तुति में बालकों को औद्योगिक तीर्थ की संज्ञा दी। देश और क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में बालकों के योगदान को श्री साहू ने गीत के माध्यम से बखूबी व्यक्त किया। साहित्य के खदान है धरती मैया के कोरम भैया साहित्य के खदान है। अलमोला बनाए वर संगी अलमोला बनाए वर संगी साहित्य ललान रे। बालको लोक कला महोत्सव के दूसरे दिन पोटिया कला का जस झांकी और गुरूर का मया के मितान लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा। जस झांकी में उपकार नवयुवक मंडल ने अनेक पौराणिक कथाओं को अपनी नृत्य नाटिका के माध्यम से जीवंत कर दिया। सांस्कृतिक समूह मया के मितान ने ददरिया, कर्मा, सुआ, राउत नाचा और गम्मत पेश कर लोगों का दिल जीत लिया। लोक कला महोत्सव के तीसरे दिन गरियाबंद के सांस्कृतिक समूह ने रंग सरोवर की प्रस्तुति दी, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। ¶¶
ऐसे करते क्या था आप क्या कोरबा के जवाहर बघेल के दल ने पंथी नृत्य की उत्कृष्ट प्रस्तुति दी। कलाकारों ने अपनी आकर्षक भाव भंगिमाओं और शैली से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। कोरबा के जीआर महिलांगे के दल ने अचरा के छैया नामक कार्यक्रम पेश किया। देर रात्रि तक दर्शकों ने कार्यक्रमों का लुत्फ उठाया। तीन दिवसीय समारोह में शिरकत करने आए सांस्कृतिक दलों के कलाकारों ने कहा कि बालको लोक कला महोत्सव छत्तीसगढ़ी कला और संस्कृति के आयोजन का श्रेष्ठ मंच है। बालको प्रबंधन की ओर से कलाकारों के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए। यह आयोजन बालको प्रबंधक के द्वारा ही हमें यहाँ पे आने का मौका मिला और उनका सौभाग्य के कारण हम यहाँ पे कार्यक्रम बड़े सुंदर ढंग से दिए। यहाँ के व्यवस्था तो ऐसा है कि बहुत ठीक ठाक था। यहाँ का जो व्यवस्था है और हमने जसपुर और वगैरह वगैरह दिए हैं वहाँ से बहुत अच्छा है। छत्तीसगढ़ ही जो लोक कला मंच है ये यहाँ के जो दर्शक बहुत बढ़िया हमारे कलाकारी ला देखे। बोला ऐसे लगी कि हर कोई बहुत पसंद करे है ये हमारे कलाकारी ला। काबर छत्तीसगढ़ी जो कलाकार है प्राय हमार संस्कृति छत्तीसगढ़ के लुप्त हो जात है। ओला हमन प्रयास करत हन छोटे छोटे हमार बच्चा है सब कोई मिल के माया के मितान परिवार सब मिल के ये संस्कृति ले हम जिंदा रखें। और हमार सौभाग्य की बात है कि यहाँ बालको प्रबंधन के जो भी कर्मचारी है अधिकारी है हमला यहाँ बुला के हमार सौभाग्य की बात है हम आप मन के दर्शन करें। हम चाहते हैं आप मन से कि लोक कला मंच है इला उभारे खातिर आप मन हर वर्ष आशीर्वाद के रूप में कहना चाहिए या सहयोग के रूप में कलाकार ला बढ़े के असर दही ऐसे मोला बहुत उम्मीद है। यहाँ के जो लोग हैं बड़ी संस्कृति प्यार करते हैं और हमारी जो उद्देश्य है इस मंच के माध्यम से जो हमारी लोक गाथा है लोक संस्कृति है छत्तीसगढ़ की जो परंपराएं हैं उसको बनाए रखना है ताकि हमारे छत्तीसगढ़ का जो नाम है वो हिंदुस्तान के साथ साथ इंटरनेशनल में भी एक अच्छी ख्याति लब्ध हो। यही हमारी भावनाएँ हैं। लोगों का भी धन्यवाद बहुत अच्छे कार्यक्रम देखे हैं और हम आशा करते हैं कि जब भी सेवा का अवसर ये हमसे चाहेंगे हम पुनः पधारेंगे और भरपूर मनोरंजन करने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ जे आयोजन हो भाई मान के साथ मिली बहुत अच्छा रही। यहाँ जे दर्शक रही से होकर मन के बहुत प्यार मिली बहुत अच्छा रही। यहाँ के जे सहयोग मिली भाई मन के बालको प्रबंधन और आयोजन समिति का को सहयोग आशीर्वाद मिला तो पुनः मतलब दूसरे बार कार्यक्रम देने का अवसर प्रदान हुआ है तो बहुत अच्छा आयोजन समिति का आशीर्वाद मिला और बालको प्रबंधन समिति का प्यार मिला और इस ढंग से सभी का स्नेह हम कलाकारों को मिला है।